हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हैं आज ये है एक मेरे पास प्लांट, इसका नाम स्पाइडर प्लांट होता है और इसे क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। सो आज मैं आपको अपनी स्मॉल बालकनी टेरेस गार्डन दिखाने वाली हूँ, शो करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइजेस को अवॉइड कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम अपनी टेरेस पे चढ़ते हैं तो यहाँ पे मैंने रख रखा है एक सी शेल जो कि रियल है, जो कि स्नेल बनाता है। ये मुझे मिला था जब मैं मिट्टी निकाल ली थी। सो ये मुझे वहाँ पे मिला था, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है कि जैसे मैं अपने टेरेस पे जाऊँ तो मुझे दिख जाए। एंड यहाँ से और ऊपर जाने के बाद हमें मिलता है क्लोरोफाइटम। इसका रियल नेम क्लोरोफाइटम है एंड इसको स्पाइडर प्लांट भी कहा जाता है। इसका थोड़ा स्पाइडर जैसा है। यहाँ पे हमारे एक छोटे से सेंटा क्लॉस देख सकते हैं। एंड ये कुछ इस तरीके के पॉट में है, प्लास्टिक पॉट के अंदर। एंड जब हम यहाँ से और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक मिलता है, यहाँ पे है मेरी एक हैंगिंग बास्केट। आप देख सकते हैं मैंने इसको इससे हैंग कर रखा है, स्मॉल हैंगिंग बास्केट। मैंने ये वेस मटेरियल से बनाई है। ये मेरे पास एक प्लास्टिक बॉक्स था, उससे बनाई है। एंड इसके ऊपर मैंने लगा रखा है एक स्मॉल ट्री, जो कि आपको अभी जब मैं और थोड़ा अपवर्ड जाऊंगी तो आपको वहाँ पे मिलेगा। एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा सेंटा। एंड जब हम इसके थोड़ा साइड में देखते हैं तो यहाँ पे मेरा एक शोपीस है जो कि मैंने खुद रेडी करा है। टेडी बियर है एंड एक हट। एंड यहाँ एक छोटे ग्रीन सेंटा। एंड ये मनी प्लांट, ये एलोवेरा, ये एक वैसी डेकोरेटिव प्लांट है। ये थोड़े स्टोन्स, स्टार्स एंड ये स्टेयर्स हैं, देखिए कितनी क्यूट लग रही है। ये एक बॉल। सो ये मैंने एक ट्रे पे, आप देख सकते हैं ट्रे पे अटैच करके कर रखा है। यहाँ एक स्मॉल सी बेल है, देख सकते हैं बहुत क्यूट लग रहा है ये। एंड इसके आगे जाते हैं तो कुछ वाटर प्लांट्स हैं जो कि मैंने वाटर के अंदर ग्रो कर रखे हैं। ये 15 डेज पहले ही मैंने ग्रो करे थे। इसके अंदर ये एक मनी प्लांट एंड ये देखिए, ये मैंने एक ग्लास के अंदर ग्रो कर रखे हैं। एंड यहाँ पे जो प्लास्टिक बॉटल होती है उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको मैंने कट कर दिया। एंड इसके अंदर ये मनी प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना क्यूट है। एंड यहाँ पे भी यही वाला सेम प्लांट, इसका मुझे नेम नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, बहुत डेवलप हो चुकी हैं। एंड गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिस जिसको भी प्लांट्स ब्यूटीफुल लगते हैं तो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को। ये मैंने वाटर के अंदर ग्रो कर रखा है एंड इसके साइड में ये मैंने मिट्टी के अंदर ग्रो कर रखा है। ये देखिए ये बहुत बड़ा हो रहा है। एंड अगर हम इधर से इधर जाएं तो यहाँ पे भी एक वही प्लांट, ये प्लांट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये किस छोटे से आइसक्रीम कंटेनर था उसके अंदर मैंने ग्रो करा। एंड यहाँ पे एक बास्केट, फिर से हैंगिंग बास्केट। ये यहाँ पे मैंने एलोवेरा का बेबी प्लांट ग्रो करा है, आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक का देखा। यहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग बास्केट लगा रखी है, इधर कुछ वाटर प्लांट्स हैं। एंड अब हम यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं। फर्स्ट प्लांट है हमारा जामुन का, जो कि बहुत आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, ये जामुन की गुठली है। ये मैंने जामुन की गुठली से उगाया था एंड आप देख सकते हैं ये ग्रो हो चुका है, कितना क्यूट है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ज़्यादा कुछ पॉट नहीं ले रखा, ये सिंपल एक प्लास्टिक जिसके अंदर बिस्किट्स आते हैं वो है सिर्फ। एंड ये भी देखिए जामुन के बहुत बिग हो चुके हैं। एंड इसके इधर देखते हैं तो मैंने एक यहाँ पे पॉमीग्रेनेट के सीड ग्रो करे थे, बट ये उगे नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये है मेरे पास एक पापड़ी का पौधा, एक नहीं है अभी, 2-3 और है। ये देखिए ये भी बहुत अच्छा है। एंड इसके साइड में है हमारे पास एक लहसुन का पौधा, गार्लिक का। ये भी मैंने जो गार्लिक होती है उसका बस एक मैंने इतना छोटा सा लेके वाइट कलर का उसको ग्रो कर दिया, उग गया। एंड यहाँ पे है हमारी
तुलसा का पौधा देख सकते हैं। एंड गार्लिक के साइड में है यहाँ हमारे टमाटर के पौधे, टमेटोज देख सकते हैं। ज्यादा हिलाऊंगी नहीं, ये बस मैंने, आप देख सकते हैं टमाटर कैसे उगाते हैं। आप इतने स्मॉल स्मॉल सीड होते हैं टमेटोज के अंदर, बस उनको मैंने वन डे उनको थोड़ा ड्राई करके इसके अंदर डाल दिया। एंड आप देख सकते हैं बहुत बड़े हो चुके हैं। अभी वैसे टमाटर नहीं देंगे, अभी काफी छोटे हैं, अभी थोड़े और बड़े होंगे ना जब देंगे। इसके यहाँ रूट्स भी देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वीड्स उग गया है। वीड्स मीन्स जो जंगली पौधे होते हैं, ये देखिए ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, इसलिए आपको निकाल देना चाहिए ना। एंड गाइस, जो जो भी गार्डनिंग करता है उन्हें तो पता ही होगा कि इतने सारे पौधों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड एक चीज और, इनके साथ साथ जो यहाँ मिट्टी फैलती है वो भी बहुत, बस क्या बोलो। एंड इसके साइड में मेरे पास एलोवेरा, एलोवेरा मेरे पास बहुत बड़ा है, बहुत बिग हो चुका है। एंड इसके पीछे एक और टमाटो का पौधा, ये बहुत अभी छोटा है। एंड ये थोड़ा सा और बड़ा टमाटो। इसके साइड में एक बिग जामुन, ये बिग जामुन, ये स्मॉल जामुन, ये हमने परचेज करा था। आप इसकी लीफ देखिए, यहाँ पे भी वीड्स उग गया है। आप वीड्स रिमूव कर दीजिए कीजिए, ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। एंड ये भी काफी बड़ा है। एंड इसके साइड में एक और टमाटो का, मैंने टमाटो बहुत सारे उगा रखे हैं। एंड ये आप देख सकते हैं इसकी लीफ जो है कर्ल हो रही है ना, तो ये कर्ल इसलिए हो रही है, यहाँ पे दो थे, एक यहाँ एक यहाँ था, बट वो खराब हो गया पता नहीं क्यों, पर हमारे पास अभी एक है तो मैंने उसको खाट दिया, कभी वो इसे भी खराब कर दे। एंड टमाटो के पीछे यहाँ पे हमारा गुआवा है, बॉन्साई देख सकते हैं, इसकी लीफ भी गवावा वाली है, गवावा है तो गवावा की होंगी। एंड इसके साइड में है हमारे पास चांदनी, इसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं। ये हमारे पास बहुत बुशी है, ये देखिए। एंड इसके साइड में हमारे पास है हिबिस्कस, जो कि बिल्कुल मनी प्लांट के साइड में है, बिल्कुल मिल चुका है इससे, ऐसा लग भी नहीं रहा कहाँ पे मनी प्लांट कहाँ पे हिबिस्कस। एंड इसके साइड में हमारे पास है एक मनी प्लांट जिसका नाम पोथोस भी कहते हैं हम इसको, ये देखिए हमारे पास मनी प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है। कहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ पे चढ़ा रखा है हमने धागे की मदद से। जरूरी नहीं है कि आपके पास इन्हें हैंग करने के लिए इसके लिए स्टिक हो, चाहे तो आप धागे पे भी चढ़ा सकते हैं, हमने चढ़ा रखा है। यहाँ पे हमारे पास है बिग साइज की चांदनी, ये स्मॉल साइज, ये बिग, आप देख सकते हैं दोनों की लीफ सेम है, बस वो थोड़ी बिग है। एंड यहाँ पे है हमारे पास हार श्रृंगार, जो कि बिल्कुल एक ट्री बन चुका है, इतना बड़ा हो रहा है, बन नहीं चुका, बनने वाला है। यहाँ पे वही पौधा मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए, ये देखिए दोनों सेम है। इसका आपको नाम पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड यहाँ पे है हमारे पास एलोवेरा। एंड ये जो आपको ये पौधा दिख रहा है लंबा सा, करौंदे का है, ये बस हमने करौंदे बो दिए थे और वो उग गए थे। एंड एक चीज अभी आपको दिखाती हूँ, इसके साइड में हमारे पास है छुई मुई, ये मेरा फेवरेट है, देखिए कितना क्यूट है, कितना बुशी हो रखा है। अब मैं इसको छूती हूँ एंड आप देखिएगा, मैंने बस इसको छुआ है, ये मुरझा गई। इसके फ्लावर्स भी देखिए बहुत क्यूट आते हैं। इसको मैंने छुआ और ये मुरझा गई, कितना क्यूट है। एंड यहाँ पे एलोवेरा, हमारे एलोवेरा बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं आजकल। एंड इधर जामुन, जामुन भी बहुत सारे हमारे पास, ये वही वाले हैं, मैंने उनको इस कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। एंड इसके पीछे हमारे पास वाइट रोज, जिसके अंदर एक प्यारा सा वाइट रोज भी आया हुआ है। एंड इसके पीछे जो है वो हमारा पिंक रोज था, पर अभी तक उसके अंदर लीफ नहीं आई है। इधर है हमारे पास मैंगो, हम मैंने इसके अंदर फोर गुटली डाली थी जो मैंगो की होती हैं, उसके अंदर से एक गुटली होगी आई, तो ये एक पौधा आ गया हमारे पास मैंगो का। एंड इसके साइड में हमें मिलता है ये वाला पौधा, इसका नाम क्या है, रात की रानी है, रात की रानी।
इसके साइड में बनाना का है हमारे पास, एंड मेरा फेवरेट पौधा जो कि यहाँ एरोकेरिया, इसका नाम क्रिसमस ट्री भी होता है बट इसका मेन नाम एरोकेरिया है। एंड ये बहुत ऊपर है, मुझे अपने हाथ भी बहुत ऊपर करने पड़ते हैं इसको दिखाने के लिए। यार एक बार आपको इसका मेन व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। एंड इसके साइड में एक मेहमान भी बैठा रहता है जिससे मैं बहुत डरती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए, ध्यान से गौर करिए क्या है, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर रहा। यस आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, यहाँ पे एक लिजार्ड बैठी है। एंड ऊपर हमारे और प्लांट्स हैं, ये इसका टूर मैं आपको किसी और दिन दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, बाय फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो बाय।